फ्रेंड्स, आज का मेरा डाइट रहा 6:30 बजे के आसपास मैंने अजवाइन सीड वाटर लिया, 8:30 बजे मैंने कुछ भी नहीं खाया, 9:30 बजे मैंने मक्के की रोटी सरसों के साथ खाया, 1 बजे फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया, 4 बजे के आसपास मैंने फिश फ्राई और 7:30 बजे मैंने चिकन करी और रात में सोने से पहले फिर से मैंने अजवाइन सीड वाटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज फिर पीना है हमें अजवाइन वाटर, ज्यादा ठंडी है लेकिन है, इस तरह करने से भी बहुत फायदा होता है दोस्तों। आ गई भाई, गुड मॉर्निंग जी। ओहो, आप भी आ गई, आपका डाइट वाटर तो कुछ और है। अजवाइन वाटर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने इलेक्ट्रिक केटली में डालना है 1/2 बॉटल पानी, 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया, इसको आप रात में भिगो के भी सुबह गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ पी सकते हैं, आपका अजवाइन वाटर बनना शुरू हो गया। ये हमारी ग्लास, ये हमारी छन्नी और मैं लगातार पिछले 2 दिन से कपीवा का एलोवेरा जूस पी रहा हूँ। करना है इसको अच्छे से और अपने ग्लास में डाल लीजिए, ये आपका गर्म हो रहा है तब तक आप अपने हाथों को रगड़िए, इससे भी बहुत फायदा होता है। नींबू निचोड़ लीजिए, तो मेरी मेहनत आप लोगों को कुछ तो फायदा दे रही होगी। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन, सो दैट मेरी जितने भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका फायदा उठा पाए। अपना रूटीन इसी हिसाब से आज जो मैं करता हूं वो आप नेक्स्ट डे करिए। आपका अजवाइन वाटर रेडी, नॉर्मल वाटर मिला लिया ताकि आपका ये पानी गुनगुना हो जाए और पीने में आसानी हो। पीने का तरीका बिल्कुल सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है और खाली पेट लेना है। अजवाइन वाटर के जो फायदे हैं ना दोस्तों, वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने में मदद करता है। सर दर्द अगर है और दांतों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा होता है, ये मेरा आजमाया हुआ है और आप इसको भी ट्राई करिए, बहुत फायदा होगा। और वेट लॉस में आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत मजबूत करता है जिससे आपके वेट लॉस में आपको फायदा मिलता है। आप प्लीज इसको अपने डेली दिनचर्या में जरूर रखिए। डेली मैं डाइट वाटर बनाने के प्रोसेस इसलिए डालता हूं ताकि आप लोगों को पुराना वीडियो जाकर ना देखना पड़े, आप ये जहां से शुरू किए वहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए अपना वेट लॉस प्रोसेस। वाह अजवाइन वाटर, वाह, चीयर्स दोस्तों, बट हेल्थ के लिए, हेल्थ इज वेल्थ। वाओ, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो सरसों साग है और ये पी और कैसे बनती है आप मधुबाला ब्लॉग में जाके देखिएगा, अभी चैनल बनाया नहीं है, बनेगा। ब्रेकफास्ट तो अल्टीमेट लग रहा है देखने में, रेसिपी और बनाने की विधि मधुबाला जी अपने ब्लॉग में डालेंगे, अभी उन्होंने चैनल बनाया नहीं है। ओहो, साथ में क्या बात है भाई, ये क्या है? मक्के दी रोटी। मुंह में तो पानी आ रहा है दोस्तों। जो फ्रूट सैलेड था वो नहीं खाया, 3 चीजें स्किप करूंगा क्योंकि आज मैं खाऊंगा हैवी हैवी खाना और आज संडे है तो फुल टाइम एंजॉयमेंट होगा। चलिए दोस्तों एंजॉय करिए सरसों साग मक्के दी रोटी, सरसों साग मक्के दी रोटी। दोस्तों आई एम बैक, मैं अपने वर्कआउट का वीडियो नहीं बना, भैया जिनको हम लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं उनका फोन आ गया, नहीं हम लोगों को दिल्ली में सेटल किया था और उनसे बात करते रह गए और 1.5 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं लगा। हाँ, लेकिन वर्कआउट जो मैं नॉर्मली 1 घंटे का कर रहा था पिछले 10-12 दिनों से 15 दिनों से वो मेरी आज 1 घंटे 40 मिनट की हुई बिकॉज ऑफ जय भैया। जय भैया वो शख्स है जिन्होंने हमें दिल्ली में शुरुआती दौर जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे जब हमें दिल्ली में सेटल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान और हाँ, बहुत दिनों के बाद उनसे बात कर रहा था और बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, 1.5 घंटा बात की दोस्तों, 1.5 घंटा। डाइट ड्रिंक है वो अजवाइन वाटर ही है, तरीका मैं मॉर्निंग में भी डाला हुआ है और इवनिंग का भी डाल देता हूँ, बहुत तेजी से करते हैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बिकॉज रात बहुत हो गई है ऑलरेडी। 1/2 बॉटल पानी, 1 चम्मच अजवाइन गरम होता है, नींबू निचोड़ लीजिए अपने, आपका अजवाइन वाटर रेडी, क्या आपको पता है सिप सिप करके पीना है। वाह अजवाइन, रात को सोने से पहले, तो मैं जैसे आपको बता रहा था पेट की समस्या,
सर में दर्द, दांत में दर्द, इन सब का निवारण अजवाइन वाटर है। वेट लॉस में आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, जिससे आपको वेट लॉस में फायदा मिलता है। आई होप आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा होगा। तो सबसे पहले जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, सो दैट कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट टाइम से भी अच्छा बना है मधु, तो मतलब गजब टेस्ट है। एक बाइट खा लो। ऑसम, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है सरसों का साग और मक्के की रोटी। इसको तो नेशनल फूड डिक्लेयर कर देना चाहिए। चिकन खाना है नहीं खाना? हाँ, लंच में चिकन लाएंगे। सब खाएगा मछली। मछली कर ले आएंगे। मटन ठंडा कर दो। हो गया। थोड़ी सब्जी गरम तो कर दो। कर दो। मैंने देसी घरेलू इंडियन स्टाइल में चिकन बनाया है। इसका मैंने पूरा वीडियो प्रोसेस के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिए और इंडियन देसी चिकन के मज़े लीजिए। आपके लाइफ में भैया चले, दोनों इलेक्ट्रिक हीटर खराब। चला मनाली, मनाली किधर? कदर मनाली चलो। मनाली जा रहे हो आप लोग? नहीं भैया, कहीं नहीं जा रहा था। मैं बात को देखो, पापा को काम है ना। चलो भैया, संडे का दिन है, नहीं मिलता है जो आराम से। प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में बहुत फर्क है। पहले ये सारे मार्केट खुले रहते थे संडे के दिन, हो गए, लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं आया है। आज मछली मार्केट में जाने के बाद बिल्कुल अपने गांव पोखर तालाब की मछली की याद आई, बहुत अच्छा लगा। ये नंबर है ना तेरा? बना दिया। बहुत जबरदस्त मछली, मजा आ गया देख के। चलते हैं।
जल्दी से। बिहारियों का तो मतलब सरसों में बना के का तो मजा ही अलग। आज मैं भी आ गया, ताजी ताजी सब्जी कुलदीप भाई के दुकान पे। जब से मैं पंजाब आया तब से ये वेजिटेबल शॉप मेरी फेवरेट है और यहाँ हर चीज आपको फ्रेश मिलती है, मजा आ जाता है, कुलदीप भाई से भी मिलके मजा आता है। बहुत बढ़िया है, फ्रेश हाँ सारा। देखो कुलदीप भाई रीजनेबल वेजिटेबल शॉप है, दिनों के बाद मैं आया आ गया यार, सब्जी खरीदने में मजा ही अलग है, तो बार्गेन भी करना पड़ा। कुलदीप भाई खुद ही हमारे लिए पैकिंग करते हुए, मूली दे दो साग निकाल के, मूली निकाल दो साग दे दो, मूली दे दो यार कमाली है। देखिए दोस्तों एकदम फ्रेश सब्जी। सो ये है साहिब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, एकदम फ्रेश वेजिटेबल ये चीज है, शॉपिंग करने का मजा कुलदीप भाई के साथ। करमचंद मेरा पैकिंग मेरा करमचंद ही करना, मैं नाम नहीं जानता सी। करमचंद भाई ठीक हो? कुलदीप भाई ने डिस्काउंट भी दिया मुझे आज। इस फ्रेम में आपको एक्चुअल पंजाब समझ आएगा, मॉडर्न पंजाब, खेती और अपने खेत के सामने बिल्कुल वेजिटेबल शॉप। तो आप पंजाब के लोग मेहनती ही नहीं, समझदार भी हैं और उनको बिजनेस का भी सेंस है।